देखो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन कितने अननोन हम निकाल सकते हैं। जैसे कोई फार्मूला है, आप साइंटिस्ट बन गए, कोई फार्मूला डिराइव कर रहे हो, तो डायमेंशन का यूज करके कितने अननोन निकाल सकते हो। देखो तो ये थियरी बेस आप पढ़े होगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन जो है कैन बी कैलकुलेटेड इज थ्री बाय डायमेंशन, ठीक ना। तो ये डायमेंशन का यूज करके हम मैक्सिमम तीन निकाल सकते हैं, ठीक ना। तीन से ज़्यादा नहीं निकाल सकते क्योंकि अननोन वेरिएबल ज़्यादा हो जाते हैं तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। तो ये, और इसको तीन में भी प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लो फोर्स बिटवीन द टू मास M1 और M2 है, इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है ये वाला F इज इक्वल टू जी M1 M2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये बेसिकली तुम देखोगे तो जी तो कांस्टेंट है, तो अगर मैं इसको, तीन वेरिएबल है M1 और M2, अगर मैं इसको भी डिराइव करूँ, तीन है, फिर भी ये नहीं होगा डायमेंशन से। क्यों? क्योंकि तीन में भी क्या प्रॉब्लम होता है, जब दो का डायमेंशन सेम हो जाता है, जैसे M1 और M2 का डायमेंशन सेम है, ऐसे भी रिलेशन डायमेंशन से हम डिराइव नहीं कर सकते हैं, फिर भी तीन है, फिर भी नहीं कर सकते क्योंकि दो का डायमेंशन सेम है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, पर मैक्सिमम तीन कर सकते हो।